मैं डॉक्टर प्रवीण बत्रा आज नारी दिवस के इस अवसर पर संपूर्ण विश्व की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। मनु जी का कथन है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यास्तु तिरस्क्रियन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः विफलाः। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारी का तिरस्कार होता है वहाँ किए गए सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। आज संसार में नारी के कई रूप देखने को मिलते हैं, एक कन्या, एक किशोरी, एक युवती, एक प्रौढ़ और एक वृद्ध महिला। इन सभी रूपों में कभी वह एक पुत्री की भूमिका निभाती है, कभी एक बहन की, कभी पत्नी बनती है तो कभी माँ की भूमिका निभाती है। नारी का जीवन त्याग और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहले वह एक पुत्री और बहन बनकर एक घर की फुलवारी को महकाती है, और फिर एक पत्नी और एक माँ बनकर एक दूसरे घर को अपनी ममता से सींचती है। प्रेम, समर्पण, ममता, स्नेह, करुणा आदि उसके आभूषण हैं। वह जीवनदायिनी है, राष्ट्र, समाज और विश्व की निर्मात्री है। आरंभ से ही वेद ने नारी को एक महत्वपूर्ण गरिमामय और उच्च स्थान प्रदान किया है। वैदिक धर्म जिन सिद्धांतों पर आश्रित था उसमें एक सिद्धांत था मातृवत परदारेषु, अर्थात सभी स्त्रियों को माँ कहने की एक विलक्षण भावना। स्त्री को वेद ने यज्ञ कहा, यज्ञ का अर्थ है यज्ञ के समान पूजनीय। नारी को जान देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली, तेज देने वाली, विदुषी, सरस्वती और उषा जैसे अनेक आदर सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। अथर्ववेद में कहा है कि हे नारी, तू पुरुष के समान ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण कर, तू बाहरी उपकरणों को छोड़, तू भीतरी बल से चैतन्य स्वभाव और पदार्थ को दिव्य दृष्टि से देख, तू एक सुयोग्य पति से विवाह कर, तू अपनी विद्वता और शुभ कर्मों से पति के घर में सबको प्रसन्न कर दे, तू घर के प्रत्येक दिशा में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर, तू विद्वानों के बीच में सुखदायिनी और कल्याणकारी होकर विराजमान हो, तू ऐश्वर्य की नौका पर सवार हो और अपने पति को, जिसे तूने पसंद किया है, उसे संसार सागर के पार पहुंचा दे। देखिए कितनी उत्कृष्ट भावना है। यहाँ नारी को पुरुष के रथ की सारथी अर्थात एक पुरुष की भी मार्गदर्शिका कहकर संबोधित किया गया है। नारी एक देश और एक समाज की निर्मात्री है। इतिहास साक्षी रहा है कि क्षेत्र चाहे कोई भी रहा हो, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, नारी ने अपने सद्गुणों से हर क्षेत्र में सफलता के शिखर को छुआ है। अगर वह एक आदर्श गृहिणी रही है तो एक आदर्श विदुषी भी रही है, एक राज्य और एक साम्राज्य भी रही है। अनेक ऋषिकाओं के उदाहरण वेद में आते हैं, जैसे अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराजी, सूर्या, सावित्री, आदिति, लोपमुद्रा, विश्वतारा और आत्रेयी जैसी अनेक ऋषिकाओं ने वेदों के अनेक मंत्रों का साक्षात्कार तक किया है। गार्गी जैसी महिलाएं अपने ज्ञान के बल पर महान विद्वान याज्ञवल्क्य को भी निरुत्तर करने का सामर्थ्य रखती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में एक उदाहरण आता है। राजा जनक के दरबार में महान गार्गी समस्त सभा के सामने याज्ञवल्क्य को चुनौती देती है। गार्गी का कथन है कि यथा काश्यौ वा वै देहो वा उग्रपुत्रः, कि हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार एक काशी या विदेह का कोई उग्रवीर उज्जय धनुर्धिज्यम कृत्वा दौ बाणवंतौ हस्ते कृत्वा, एक धनुष पर दो बाण चढ़ाकर शत्रु के सामने खड़ा हो जाए, एवं एव अहम् उसी प्रकार में गार्गी त्वा द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपस्थाम, तेरे सामने दो प्रश्नों को लेकर खड़ी हूँ। दौ प्रश्नौ पृच्छामि, मैं तुझसे दो प्रश्न पूछती हूँ। तौ चेत मे वक्षति न वै जातु युष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोदम जेता इति, अगर तूने मेरे इन दो प्रश्नों का समाधान कर दिया तो तुझ ब्रह्मवेत्ता को संसार में कोई भी जीत न सकेगा। देखिए यहाँ गार्गी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर एक स्त्री
ज्ञान की ध्वजा को अपने हाथ में लेती है तो याज्ञवल्क्य के जैसे महान तत्वेता भी उसे प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण इसी उपनिषद में आता है, जब याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को संसार और परमात्मा में से एक को चुनने को कहते हैं तो मैत्रेयी जैसी त्यागिनी का कथन है कि ये न हम न अमृता श्याम तेन हम किम कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहीति, कि हे ऋषि जिस धन से मैं अमृत्व को नहीं पा सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी, मुझे तो ज्ञान का वो उपदेश दीजिए जिससे परमात्मा प्राप्त हो जाए। ऐसे उच्च विचार नारी के एक त्यागपूर्ण और धर्मनिष्ठ जीवन की घोषणा करते हैं। इसी प्रकार जब नारी ने केकई बनकर शस्त्र अपने हाथ में उठाए हैं तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के भी प्राणों की रक्षा की है। सावित्री बनकर उसने मृत्यु को भी रोका है। अनुसुईया बनकर उसने त्रिदेवा को भी 6-6 महीने के बालक बनाकर अपनी गोद में खिलाया है। धन्य है वो सीता, धन्य है वो यशोधरा और धन्य है वो उर्मिला, जिनके त्याग जिनकी पतिव्रता धर्म के सामने उन्होंने संसार के प्रत्येक वैभव का तृणमत त्याग किया है। सई बाई का त्याग देखिए, जो स्वयं मृत्युशैया पर है लेकिन फिर भी शिवाजी को धर्म युद्ध के लिए अपने हाथों से विदा करती है। जब कभी स्त्री ने मीरा और गोपी बनकर प्रेम की माला को धारण किया तो परमात्मा को भी अपने समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अनेक उदाहरण इतिहास में हैं, जीजाबाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, चांद बीवी, अनेक ऐसी शूरवीर महिलाओं के उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन जब जब धर्म रूपी सूर्य को अशिक्षा और पाखंड का ग्रहण लगता है तो समाज को बहुत भारी हानि उठानी पड़ती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब वैदिक संस्कृति लुप्त होने लगी तो धर्म के सिद्धांत कमज़ोर पड़ने लगे। जो सम्मान समाज में नारी को दिया गया था अब उसका ह्रास होने लगा। जो नारी कभी गार्गी और मैत्रेयी बनकर धर्म ध्वजा लहराया करती थी वो अशिक्षा के कारण अपना गौरव भूल बैठी। समाज में उसकी अवस्था एक दीनहीन अबला या भोग्य अवस्थु के समान थी। उसकी इस अवस्था को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब धर्म गुरुओं ने भी उसे नरक का द्वार जैसे घृणित शब्दों से संबोधित किया। आप देखिए बुद्ध जैसे महान पुरुष को तपश्चर्या के दौरान जब सब ने उनका साथ छोड़ दिया, सभी साथी उनका त्याग कर बैठे, लेकिन फिर भी एक स्त्री थी सुजाता जो उन्हें देव पुरुष समझकर उनकी सेवा करती रही। लेकिन वही बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो उन्होंने स्त्री को संन्यास देने से आरंभ में मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि मेरा धर्म 1000 साल चलता परंतु मैंने नारी को संन्यास दिया, अब ये केवल 500 साल चलेगा। इसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार भी स्त्री मोक्ष की अधिकारिणी नहीं हो सकती। मुस्लिम समाज ने भी मस्जिद में स्त्री के प्रवेश पर रोक लगाई। ईसाई मत में भी यही इतिहास रहा। जब सभी ने जीसस का साथ छोड़ दिया, जीसस सूली पर लटक रहे थे, तब केवल स्त्री ही थी मैरी और मैरी की बहन जिन्होंने जीसस की मदद की। लेकिन वही जीसस जब अपने 12 चुनिंदों को खड़ा करते हैं तब उनमें एक भी स्त्री नहीं थी। और तो और जब इंदिरा गांधी भी जेरूसलम की चर्च में गई तो उन्हें भी इसराइल की प्रधानमंत्री के साथ सिनेगोग की बालकनी में बिठाया गया जबकि सभी पुरुष नीचे सभा में मौजूद थे। परीक्षा हमेशा सीता की ही ली जाती थी, राम के अस्तित्व पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है कि ढोल गवार शुद्र पशुनारी ए सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास के अनुसार ढोल गवार यानी अनपढ़, शुद्र और नारी ये केवल ताड़ना के ही लायक हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो शंकराचार्य सर्वम खलु इदम ब्रह्म का उद्घोष करते हैं, पूरे संसार के कणकण में परमात्मा को मानते हैं, उन्होंने भी कहा कि नारी नरकस्य द्वारम, कि नारी तो नरक का द्वार है। इससे अधिक और विडंबना क्या हो सकती है। इन सभी बातों के परिणाम स्वरूप समाज ने अनेक कुरीतियों को जन्म दिया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, स्त्री सती प्रथा और देवदासी प्रथा। समाज ने स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा, अल्पायु में ही उस पर अनेक प्रतिबंध लगाए।
बाल्यावस्था में उसका विवाह कर दिया जाता था। पति के घर में उसका जीवन एक दासी की तरह था, और यदि किसी कारणवश उसका पति मर जाए तो या तो उसे जलती चिता में कूदना पड़ता था या विधवा का नारकीय जीवन बिताना पड़ता था। आश्चर्य है कि रूढ़िवादी समाज ने 60 साल के एक वृद्ध को दर्जनों विवाह की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक 16 वर्ष की विधवा कन्या के सामने दधकती हुई अग्नि ही एकमात्र विकल्प थी। उसकी चीखें, उसकी हाहाकार उन पुरुष प्रधान समाज के लोगों की कानों को बीन नहीं पाई। धर्म की आड़ में भी पुरुष ने महिला का शोषण किया। देवदासी जैसी प्रथाएं इसका ज्वलंत उदाहरण थी। पहले तो उच्च जाति की महिलाओं ने अपने आप को स्वयं समर्पित कर मंदिरों में सेवा आरंभ की, देवताओं की मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया, लेकिन धीरे धीरे समाज में रूढ़िवादिता बढ़ती गई और पुजारियों ने स्वयं भगवान बनकर उनका शारीरिक शोषण आरंभ किया। फिर यह उनका अधिकार बन गया, समाज ने भी इसे स्वीकृति दे दी। इसके बाद राजाओं ने भी अपने महलों में देवदासियां रखने का चलन शुरू किया। दक्षिण भारत की अनेक महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के इस दलदल में धकेल दिया। धीरे धीरे समाज में समय ने करवट ली। अनेक समाज सुधारकों ने नारी के शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। अनेक परिवर्तन भी आए। सती प्रथा, देवदासी प्रथा की तीखी आलोचनाएं संसार के लोगों ने की। नारी को इससे मुक्ति भी मिली। लेकिन फिर भी आज 21वीं सदी की नारी वो गौरव हासिल नहीं कर पाई जो उसे वैदिक काल में प्राप्त था। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं नारी भी दोषी रही है। नारी ने अपनी प्रवृत्ति को बहिर्मुखी कर दिया। पहले जहां वो ज्ञान और भक्ति से अपनी अंतरात्मा का श्रृंगार करती थी, आज उसका अधिकांश समय अपने शरीर की बाहरी साज सज्जा पर बीतता है। ममता और करुणा की मूर्ति कही जाने वाली नारी आज मूक पशुओं के रक्त से अपने सौंदर्य प्रसाधन सजाती है। मासूम पशुओं की चमड़ी को स्वयं ओढ़ने में उसे आनंद आता है। आप देखिए, कभी वो गार्गी और मैत्रेयी बनकर धर्म चर्चा और संवादों में भाग लिया करती थी, आज वही नारी अपनी ऊर्जा व्यर्थ की निंदा चुगली में व्यय करती है। एक समय था जब मदालसा जैसी माताएं अपनी नवजात शिशु को वैराग्य की लोरी सुनाती थी कि शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी, संसार माया परिवर्जितो असी, तो उसके तीनों पुत्र सन्यासी बन जाते थे। जब वो अपने पुत्र को देशभक्ति और धर्मपरायणता की गाथा सुनाती थी तो उसका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनता था। लेकिन आज की महिलाएं, आज की माताएं अपने बच्चों को एक कॉकरोच से भी डराती हैं। आज दहेज के लिए नववधू को प्रताड़ित करने में एक महिला का ही हाथ होता है। कैसी विडंबना है कि एक महिला स्वयं अपने हाथों से चंद रुपयों के लिए लक्ष्मी कही जाने वाली वधू को जिंदा जलाती है। मेरा मानना है कि अगर संसार की सभी महिलाएं इस कुरीति के लिए शपथ ले लें तो एक ही दिन में इस संसार से दहेज प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। आज सभी कहते हैं कि देश को महान अशोक की आवश्यकता है, वीर शिवाजी की आवश्यकता है, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों की आवश्यकता है, लेकिन हम कहते हैं कि आज देश को माता धर्मा, जीजाबाई और जगवंताबाई की आवश्यकता है। अशोक को महान अशोक बनाने वाली एक स्त्री ही थी। शिवाजी को वीर शिवाजी किसने बनाया? जीजाबाई ने। प्रताप को महाराणा प्रताप किसने बनाया? जगवंताबाई ने। धर्मा एक अशोक पैदा करती है जो हिंदू कुश से लेकर श्रीलंका तक एक अखंड भारतवर्ष की स्थापना करता है। जीजाबाई एक शिवाजी पैदा करती है। जगवंताबाई एक प्रताप पैदा करती है जो अकेले ही मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाना जानते हैं, जिनके शहीद होने पर अकबर जैसा बादशाह भी उनकी बहादुरी पर नतमस्तक था। एक विद्वान का कथन है कि यदि मुझे 40 जीजाबाई या जगवंताबाई मिल जाएं, तो मैं पूरे विश्व में धर्म का साम्राज्य स्थापित कर दूंगा। बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा सम्राट, जिसे पूरा संसार प्रणाम करता है, वो भी अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करता है। दयानंद जैसा निर्भीक विद्वान जो अंग्रेजी अधिकारी के यह पूछने पर कि तुम क्या चाहते हो, यह कहने का सामर्थ्य रखता है कि तुम हमारे देश से बाहर निकल जाओ,
वो निर्भीक दयानंद भी एक 8 साल की कन्या को मातृशक्ति कहकर प्रणाम करता है। ऐसी मातृशक्ति अपने सामर्थ्य की पहचान कर त्याग और समर्पण की राह पर चले तो विश्व की कौन सी बाधा उसके प्रचंड वेग को रोक सकती है। आप देखिए, हमारा निजानंद समाज भी इन कुरीतियों का अपवाद नहीं रहा है। एक समय था जब केशरबाई जैसी विदुषी महिलाएं अमीरुल मोमिन कहे जाने वाले छत्रसाल से भी शास्त्रार्थ करने का साहस रखती थी। नौतनपुरी में देवचंद्र जी के बाद ज्ञान का दीपक पुनः प्रज्वलित करने वाली भी एक महिला केशरबाई ही थी। जब सारा समाज बिहारी जी के नियमों को देखकर उनसे डरकर एक सुंदर साध को अपने घर में शरण नहीं देता, तब एक स्त्री ही खड़ी होती है जो फूलबाई बनकर धर्म के लिए, सत्य के लिए ऐसे नियमों को भी चुनौती देती है। महाराज ठाकुर से कहा जाता है कि या तो धर्म को चुन लो या स्त्री को चुन लो, वो भी धर्म को स्वीकार करते हैं। लेकिन उस फूलबाई की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं, वो गर्व से फूली नहीं समाती। उसे गर्व है कि उसके पति ने भी धर्म को चुना। हंसते हंसते वो फूलबाई अपने प्राण न्योछावर करती है। आप तेजबाई का उदाहरण देखिए, 80 साल की बुढ़िया है तेजबाई, लेकिन फिर भी कई नौजवानों को यह कहने का साहस रखती है कि तुमसे जो बन सकता हो कर लो, लेकिन ये बुढ़िया अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। इसी प्रकार ठट्ठा नगर की बीतक में कितनी ऐसी महिलाएं हैं चंद दिनों में जिनके हृदय में अपने प्रियतम के लिए ऐसा दृढ़ ईमान हिलोरे मारने लगता है कि वो अपने पतियों से यह कहने का भी साहस रखती हैं कि धर्म है तो देह है, अगर धर्म नहीं तो इस देह का भी कोई औचित्य नहीं। धर्म के लिए हमारा जीवन पल पल समर्पित है और हम अपनी जान को अपने हाथ में लेकर फिरते हैं। लेकिन आज उस समाज की महिलाओं ने अपने आत्मिक श्रृंगार को दरकिनार करके बाहरी श्रृंगार पर ध्यान केंद्रित किया। आज उस समाज की महिलाओं के लिए आत्मिक आभूषण उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने बाहरी आभूषण। उसने प्राणनाथ जी के कारी कामरी की परिभाषा को भुला दिया। ज्ञान भक्ति का मार्ग छोड़कर अपने आप को सजाने संवारने, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष, गाने बजाने और नाचने तक ही सीमित रखा है। आज लड़खड़ाता हुआ ये समाज नारी का आह्वान कर रहा है कि हे नारी, तू भोग विलास को छोड़, आज राष्ट्र तेरा बलिदान मांगता है। तू गार्गी और अपाला बनकर ज्ञान के विशुद्ध धारा को प्रवाहित कर, जीजा और जगवंता बन और धर्म का रूप ले, फिर से इस देश को प्रताप और अशोक और शिवा जैसे वीर पुत्र दे। जिस प्रकार पहले तूने राष्ट्र निर्माण रूपी यज्ञ में अपने त्याग और समर्पण की आहुति डाली है, आज वो अग्नि मंद पड़ रही है। वो अग्नि आज तुझसे फिर हवि की मांग करती है कि उठ, तेरा कर्तव्य तुझे पुकार रहा है, अपने त्याग से पुनः उस अग्नि को प्रचंड रूप दे। हे स्त्री, तू तो दुर्गा है, तू काली है, जब तू हुकार भरेगी तो महिषासुर रूपी तमोगुणी प्रवृत्तियां इस लोक से सदा के लिए विदा हो जाएंगी। निजानंद समाज भी आज बाट देखता है कि फिर से इस संसार में कोई फूलबाई पैदा हो जो धर्म के नाम पर अपने प्राणों की आहुति देने में सदैव तत्पर रहे। फिर से एक केशरबाई निकल कर आए जो इस समाज के मंचों की शोभा बढ़ाए, जो अपने ज्ञान से अंधकार में भटकते हुए इस समाज को राह दिखलाए। आज जरूरत है उस तेज बाई की और उसकी महिला मंडली की जो धर्म के नाम पर अपने शरीर की बाजी लगाने के लिए पल पल तैयार है। संसार की बड़ी से बड़ी बाधा जिसके कदम नहीं डगमगा सकती, जो एक बार संकल्प लेती है तो उसे प्राप्त किए बगैर पीछे मुड़कर नहीं देखती। आज इस नारी दिवस पर संपूर्ण विश्व की माताओं से मैं आह्वान करता हूँ कि हे मातृशक्ति, तू अपने गौरवमय इतिहास को याद कर। तेरी शोभा बाहरी आभूषणों और साज सज्जा से नहीं, तेरा जीवन इस निंदा चुगली और ईर्ष्या द्वेष के लिए नहीं, तू तो परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। जब तू प्रेम, शीतलता, त्याग और समर्पण का श्रृंगार सजाएगी तो पुनः एक गार्गी का जन्म होगा, पुनः एक जगवंताबाई पैदा होगी, पुनः एक फूलबाई और तेजबाई पैदा होगी। तेरा त्याग, तेरा बलिदान एक सुदृढ़ राष्ट्र और धर्म की नींव डालेगा।
फिर से सतयुग का इस धरा पर अवतरण होगा और सारा संसार तेरी महिमा गाएगा। अंत में मैं मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, केवल विश्वास रजत पग तल में, पीयूष स्तोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। प्रणाम जी। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।